आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं योनो एसबी के द्वारा हमें एसबी के न्यू एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना है। तो हम पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको योनो एसबी के द्वारा अपने न्यू एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना है तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा। वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से योनो एसबी के द्वारा अपने न्यू एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले योनो एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। अपडेट नहीं किया हुआ तो अपडेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च करना है योनो एसबीआई, योनो एसबीआई यहाँ पे आपको सर्च करना है, योनो एसबीआई यहाँ पे आपको सर्च करना है। योनो एसबीआई सर्च करने पर दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका योनो एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो अपडेट मांग रहा है, तो आपको अपडेट पे क्लिक करके अपडेट करना होगा। अपडेट होने के बाद में ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, मेरा पहले से अपडेट किया हुआ है तो ओपन पे आपको क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे योनो एप्लीकेशन का यहाँ पे लोगो आ रहा है। अब दोस्तों, योनो एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद में हमारा योनो एप्लीकेशन का जो 6 डिजिट का एम पिन होता है वह एम पिन डालना है, या फिर आपने योनो एप्लीकेशन को चालू नहीं कर रखा है तो चालू करने के लिए मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से योनो एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो सकते हो। अब यहाँ पे आपका जो भी एम पिन है, एम पिन डालना है 6 डिजिट का, इस तरह से आपका एम पिन यहाँ पे डालना है। एम पिन डालने के बाद में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, हमें न्यू एटीएम कार्ड का पिन बनाना है तो पिन बनाने के लिए यहाँ पे आपको कार्ड्स पे क्लिक करना है। कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा फिर से। अब यहाँ पे हमें न्यू एटीएम कार्ड का पिन बनाने के लिए माई डेबिट कार्ड्स पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। माई डेबिट कार्ड्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। माई डेबिट कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड की सारी डिटेल आ गई है। जो भी आपका एटीएम कार्ड है उसका पीछे का 4 डिजिट नंबर आपको चेक करना होगा कि सेम है या नहीं। अब दोस्तों, सेम है तो यहाँ पे आपको न्यू एटीएम कार्ड को चालू करने के लिए सेट रीसेट एटीएम पिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे की ओर सेट रीसेट पिन पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड का पीछे का 4 डिजिट नंबर आपको शो करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका जो भी एटीएम कार्ड का पिन कोड बनाना है वह पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है। इंटर न्यू पिन के अंदर जो आपने पिन कोड यहाँ पे इंटर न्यू पिन के अंदर डाला है वही सेम कन्फर्म के लिए नीचे की ओर डालना है। तो इस तरह से आपका जो भी पिन कोड नंबर बने वह यहाँ पे आपको डालना है। इस तरह से पिन कोड डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त हुआ है, वह ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर ओटीपी के अंदर डालना है। या फिर आपका ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके आप फिर से ओटीपी प्राप्त कर सकते हो। अब जो भी आपका ओटीपी आया है वह ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया सक्सेसफुली योर एटीएम पिन कार्ड नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने न्यू एटीएम कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल से योनो एप्लीकेशन के द्वारा जनरेट कर सकते हो। और दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे बताया गया कि आप जब भी एसबीआई के न्यू एटीएम कार्ड को योनो एप्लीकेशन के द्वारा जनरेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एसबीआई एटीएम मशीन के अंदर ही यूज करना होगा। अदर बैंक की एटीएम मशीन में आप यूज नहीं कर सकते हो। जब भी आपको कैश विड्रॉल करना हो या आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना हो या आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है, कोई भी आपको प्रोसेस करनी है तो आपको फर्स्ट टाइम आपको एसबीआई एटीएम मशीन के अंदर ही करनी होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको योनो एसबीआई के द्वारा अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। या फिर आपको योनो के द्वारा एसबीआई एटीएम मशीन से पैसे निकालना है तो इसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, ये सारी प्रोसेस होगी एक न्यू एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए योनो एसबीआई के द्वारा। या फिर आपको एसबीआई एटीएम मशीन से पिन जनरेट करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।